तो आज हम 7.4 स्टार्ट करेंगे। 7.4 ज्योमेट्री का जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक सर्कल बनाया है वृत्त और ये वृत्त में रेडियस दिया गया है 7√2 और हमें ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और ये एंगल थीटा का मान दिया है 45 डिग्री। तो सिंपल वृत्तखंड के फॉर्मूले का सूत्र लगाएंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। ये फॉर्मूला है। अब इसमें हमें आर की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, तो हम पुट कर देंगे कि आर की वैल्यू क्या है, 7√2 का स्क्वायर ब्रैकेट में पाई का मान यहाँ पे हमें 3.14 रखने के लिए बोला गया है गुणे थीटा का मान 45 है डिवाइड बाय 360 माइनस फिर यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू वापस से साइन 45 डिवाइड बाय 2। अब क्या होगा यहाँ पर के अब इसका स्क्वायर होगा तो 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर 2। हाँ, √2 से 2 कट जाता है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, इसे काटने के लिए देखिए 5 × 9 = 45, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72। तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3.14/8। और चाहे तो इसे काट सकते हैं, ऊपर देखिए 2 से कटेगा फिर से, ये 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 1.57 और ये कट जाएगा 2 × 4 = 8। हाँ, वापस मैंने इन दोनों को 2 से काटा तो यहाँ पे 1.57/4 बचा और यहाँ पे माइनस क्या बचा, साइन 45 कितना होता है 1/√2 और ये मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे पहले से ही है। तो अब ये क्या होगा देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी होगी कि देखिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक है, इसको रहने दीजिए ऐसे 49/2 तो काट देंगे हम, और यहाँ पे 1/57.4 माइनस। अब देखिए अगर इन दोनों का मैं हर बराबर कर दूँ तो अंश डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, अगर मैं ऐसे इन्हें काटने जाऊँगा तो बहुत सारा दशमलव रूप में आएगा और थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का हर बराबर कर देता हूँ। तो अगर देखिए यहाँ पर √2 ऑलरेडी है, अगर मैं यहाँ पर ऊपर नीचे √2 से और √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, देखिए ऊपर √2 आ जाएगा और ये √2 क्या हो जाएगा, 2 × और ये वाला 2। समझ गए क्या किया मैंने, दोनों का हर बराबर करने के लिए सेकंड वाले में ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ गुणा किया, दोनों तरफ गुणा कर दिया तो ये √2 हो गया और ऊपर √2 आ गया। अब क्या होगा, 49/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.57/4 माइनस यहाँ पर √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, इसे याद कर लीजिए कि √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। शायद ये टैली कर लीजिएगा एक बार, बट इन दोनों को याद कर लीजिए कि √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 शायद देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 हो गया। अब क्या होगा, देखो दोनों का हर बराबर हो गया ना, तो हर को एक बार लेके अंश को घटा देंगे तो 49/2 यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए हर बराबर है तो एक बार और ऊपर क्या होगा 1.57 + 1.414। तो करते हैं दशमलव का जोड़ घटाना भी सीख लीजिए कि 1.57 पॉइंट के नीचे 0.414 और यहाँ पे 1 और माइनस होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, 4 में 4 गया 0, नहीं नहीं 0.156 आ गया। अब क्या होगा देखिए, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4 और यहाँ पे नीचे 2 बच गया, और कुछ काटना तो काट दीजिए, 2 × 2 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 0.0764। तो 49/0.078 देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 अंक बाद दशमलव था तो यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव हमारा आया, मतलब राइट है। तो अब कीजिए इन दोनों गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा, 0.478 × 49 मल्टीप्लाई कीजिए।
आठ नौ बहत्तर अस्सी लगे सात, सात नौ तिरसठ सात, सत्तर अस्सी लगे सात, सात जीरो मल्टीप्लाई बाय सात चौक अट्ठाईस का अस्सी लगे दो, नहीं आठ चौक बत्तीस की दो अस्सी लगे तीन, सात चौक अट्ठाईस उनतीस इकतीस के अस्सी लगे तीन, तीन जीरो। अब क्या होगा, दो दो आठ तीन जीरो, एक दो तीन, तीन अंक पर दशमलव, तो 3.822 इसका आंसर आएगा। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर चौक, सेकंड वीडियो में दिया है कि यहाँ पर ओ पॉइंट है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर आर है और हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वहाँ पर जो दिया है ना मापचाप पी क्यू आर, तो मापचाप पी क्यू आर जो है ना वो कितना है 60 है। तो देखिए ये इसका केंद्रीय कोण है, तो केंद्रीय कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित किए गए माप के चाप चाप के माप के बराबर होता है। तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा, केंद्रीय कोण का माप भी होगा 60। तो थीटा कितना है 60 हमारा है, और रेडियस त्रिज्या बराबर आर, त्रिज्या बराबर है हमें ओपी, ये ओपी है कितना 10 सेमी, आर बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो बस जैसे कि ये फॉर्मूले में अगर हमें थ्रीटा की वैल्यू 60 मिल गई है और आर की वैल्यू हमें 10 मिल गई है, सीधे फॉर्मूला लगाओ और ये क्षेत्रफल का छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो कि है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। तो क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, आर स्क्वायर ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या था, हाँ पाई थ्रीटा बटे 360 माइनस साइन थ्रीटा बटे दो। फॉर्मूला हर बार लिखना, उससे प्रैक्टिस भी होगी प्लस लर्न भी हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का मान क्या है 10 का स्क्वायर ब्रैकेट में पाई का मान कुछ रखने के लिए बोला इसमें, हाँ 3.14 मल्टीप्लाई बाय थ्रीटा का वैल्यू है 60, यहाँ पे 360 माइनस साइन 60 डिवाइड बाय 2। हाँ अब कैसे होगा देखिए, आप डायरेक्टली ये 60 और 60 को कट मत कर दीजिएगा, हाँ यहाँ पे 360 है और ये सिर्फ 60 है, तो 0 से 0 कट होगा, फिर 6 कम 6 6 छा के 36 और किससे कटेगा देखिए, दो तिहाई 6 दो एक कम दो दशमलव, दो पंजे 10 दो सत्ते 14 सात एक 8 5 13 नहीं कटेगा, चलो 8 5 12 तीन से भी कटेगा, तीन एक कम तीन, तीन पचे 15 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा सॉरी यहाँ पे तीन बचे रहेगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 1.57 और यहाँ पे तीन और यहाँ पे माइनस देखिए। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, हाँ साइन 60 की वैल्यू 1/2 और ये नीचे जो 2 ऑलरेडी है पहले ही कर देते हैं। तो अब क्या होगा देखिए, 100 ब्रैकेट में 1.57 माइनस 3 माइनस 2 टू जा दो दूना 4। तो अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, डायरेक्टली तीरे गुड़ा कर दो, 100 ब्रैकेट में क्या होगा 4 गुड़े इसमें होगा 7 चौक 1.57, चलिए डिटेल में लिखते हैं 4 माइनस 3 का गुड़ा 1 में होगा 3 डिवाइड बाय 4 तिहाई 12। अब क्या होगा 100 ब्रैकेट में इन दोनों गुड़ा हो कितना होगा 7 चौक 28 की 8 हंसी लगे 2 5 चौबीस 21 22 की 2 हंसी लगे 2 4 कम 4 5 6 6.28 माइनस 3 डिवाइड बाय 2। अब देखिए चाहे तो आप 2 एक कम 2 और यहाँ पे 50, तो 50 गुड़े 6.28 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 3.28 मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो 5 अट्ठीस 40 की 0 अस्सी लगे 4 5 दूना 10 5 दूना देखो 3.28 मल्टीप्लाई बाय 5 4 5 दूना 10 11 12 13 14 की 4 अस्सी लगे 1 5 तिहाई 15 और 1 16 और यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कौन 0 आएगा और 2 अंक बाद दशमलव, तो 164.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं।